हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं उसका डिटेल। तो पहले मैं वीडियो में बता दिया था कि 11 जनवरी 2019 में आंसर की अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग दिए थे जो लोग कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम दिए थे उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप आपका आंसर की जो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा इस वेबसाइट में, जिसमें आप जाके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों, पहले आपको क्या करना, पहले आपका यूज़र आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ देना होगा एंड उसके बाद आपका यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ है, इसको आपको फुलफिल करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले आपको यहाँ कैप्चा आपको यहाँ पर देना होगा। तो मैं यहाँ पर कैप्चा जो है सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों, लॉगिन करने के लिए आपको उसमें क्लिक कर देना होगा। उसमें क्लिक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बता दिया है कि मेरा जो कैप्चा है वो गलत हो गया है। तो दोस्तों, फिर से मैं यहाँ पर जो कैप्चा है मैं उसको दे के फिर से दोबारा मैं लॉगिन करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं कैप्चा जो देखे यहाँ पे लॉगिन कर दिया हुआ। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो जिसका ये मेरा एक फ्रेंड जो है राहुल सुभाष अवध के जो डिटेल्स है यहाँ पे, जो एग्ज़ाम दिया था उसका आंसर की डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर ने, आप लोग सभी देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के लिए बाद इसके क्लिक करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड करने के बोलेगा आपका आंसर की। तो इसमें से आपको क्लिक हेयर जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपका जो आंसर की है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप ओपन करके आपका जो आंसर की है वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड करके ओपन कर लेता हूँ, इसका जो आंसर की है किस तरह से आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल डिटेल्स चला आया है, उसके साथ साथ यहाँ पर आंसर की जो है यहाँ पर चला आया था। तो पहले नंबर में जो क्वेश्चन था उसका आंसर था 3 नंबर में, ये जो कैंडिडेट है वो चूज़ किया है 4 नंबर पे। दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत दिया गया है, दिया है ये कैंडिडेट। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट है आप लोग देख सकते, सेकंड ना क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर है 4 नंबर पे, 4 है आंसर एंड ये जो कैंडिडेट ये 1 सिलेक्ट किया था, ये भी गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों, थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर है 1 एंड ये जो कैंडिडेट है ये भी गलत दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, ये थर्ड नंबर पर जो आंसर हुआ है इस क्वेश्चन का, ये जो कैंडिडेट है ये थर्ड दिया है, तो ये आंसर सही है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो आंसर की है आप देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी जाके आपका आंसर की जो है डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।